हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और सही प्रकार से अपने एग्जाम की तैयारी में पूरे जोर शोर तरीके से लगे होंगे। दोस्तों यहां पर सीबीएसई ने एक बहुत बड़ी अपडेट दी। जी हाँ, अपडेट है न्यू सेशन को लेकर। जी हाँ, न्यू सेशन 2022 और 2023 को लेकर सीबीएसई ने अपने एग्जाम पैटर्न का जो नोटिफिकेशन है उसे जारी कर दिया। और सीबीएसई ने दोस्तों ये नोटिफिकेशन जारी किया था 20 मई को। आज 22 में यानी 2 दिन पहले ये नोटिस जारी कर दिया था सीबीएसई ने कि आने वाला जो न्यू सेशन है 2022 और 2023 का जो बोर्ड एग्जाम है क्लास 10 और क्लास 12 को, उसमें क्या क्या नया परिवर्तन किया गया है, अब किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं और क्या किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सारा पैटर्न यहाँ पर सीबीएसई ने रिलीज कर दिया है। तो जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है दोस्तों। तो अगर आप क्लास 10th में क्लास 12th में और अब न्यू सेशन में अभी 9th से पढ़कर 10th में या 11th से पढ़कर 12th में गए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस तरह से अब तैयारी करनी है, अपने तैयारी में किस तरह से परिवर्तन करना है, हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, वो सारी चीजें दोस्तों मैं आपको बताना। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और ये वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों बात करते हैं, सीबीएसई ने जो अपना नोटिफिकेशन जारी किया केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा, ये इस नोटिफिकेशन की अगर मेन बात करें तो यहाँ पर सीबीएसई ने जो चीजें की हैं वो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जाम यानी सीबीई को लेकर। तो सीबीएसई ने कहा कि आपको इस बार जो एग्जाम होगा दोस्तों वो सीबीई यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जाम के माध्यम बच्चों को आगे फ्यूचर के लिए तैयार कराया जाएगा, क्योंकि अब देखिए तो आजकल जो है कॉम्पिटिशन ज्यादा बढ़ गया है और सीबीएसई ने भी इसको पूरी तरह से माना है। उन्होंने कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो 2020 में अब उसे आगे कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है, उसे लागू किया जाए, तो ऐसे में छात्रों के पढ़ाई के तरीके में उनके एग्जाम के तरीके में परिवर्तन करना है। तो इसको लेकर सीबीएसई ने कुछ चेंजेस, जो मेन चेंजेस जो आपको जानना बेहद जरूरी है वह मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब 2022 और 2023 के में सीबीएसई ने जो मॉडिफाइड जो अभी इससे पहले जो अभी एग्जाम हो रहा है दोस्तों वो आपको फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के आधार पर एग्जाम चल रहे हैं, बट अब नेक्स्ट ईयर में इसे समाप्त कर दिया गया है। अब आपका एक ही एग्जाम होगा जिसे एनुअल स्कीम के तहत एक ही एग्जाम, एक ही बार एग्जाम दिया जाएगा, बोर्ड एग्जाम, ठीक है। अब इस बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, नए बच्चे बहुत जरूरी इसे देखें, ध्यान से देखें। तो जो आपका क्वेश्चन का जो पैटर्न है दोस्तों वो कैसा होगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। जी हाँ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है 40 नंबर के पूछे जाएंगे, नहीं 40% जो है क्वेश्चन जो आपके पेपर का होगा वो कैसा होगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड। यहाँ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी जो हो रहा है तो उसमें दोस्तों जो है सब्जेक्टिव में तरह से क्वेश्चन पूछा गया, बट अब के आने वाले एग्जाम जो आप न्यू सेशन 2022-2023 के लग रहे हैं तो आपको जो है 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जाम जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो किस फॉर्मेट में, किस फॉर्म में हो सकते हैं, यहाँ पर सीबीएसई ने बताया वो या तो एमसीक्यू बेस्ड भी हो सकते हैं, ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं और इंटीग्रेटेड क्वेश्चन और एनी अदर टाइप क्वेश्चन जो है 40% जो है पूछे जाएंगे। यानी एग्जाम परीक्षा पढ़ाई अब पहले से ज्यादा टफ होने वाली, यानी अब कह सकते हैं दोस्तों कि रटंट विद्या नहीं चलने वाली है। तो आपको हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर को ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर दोस्तों सारी चीजें बिल्कुल जीरो से समझाई जाती है, रटाई बिल्कुल नहीं जाती। तो हमें आपका सपोर्ट और आपका हमें सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह से 40% जो है दोस्तों आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और ये जो बेस होंगे कैसे, एमसीक्यू टाइप हो सकते हैं, केस बेस हो सकते हैं, सोर्स बेस हो सकते हैं और इंटीग्रेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों ऑब्जेक्टिव जो टाइप क्वेश्चन है वो 20% ऑब्जेक्टिव, यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसे मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन कहेंगे वो क्वेश्चन कितने होंगे दोस्तों आपके 20%, ठीक है, 20% जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। और बाकी जो 40% है वो दोस्तों वो होंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वन वर्ड आंसर, जहां एक वर्ड में या एक सेंटेंस में, ठीक है, एक लाइन में जो उत्तर होता है उसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं, वो 40% जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। तो ये रहा पैटर्न जो चेंज हुआ है, अब जो चेंज हो गया है, जो बच्चे अभी 2022 और 23 में जो 10वीं क्लास में गए हैं, जो 12वीं क्लास में गए हैं, उनके लिए चेंज बेहद इंपॉर्टेंट है। उन्हें यह ध्यान रखना है कि अब किस तरह से एग्जाम में परीक्षा में आपसे सवाल पूछे जाने वाले दोस्तों। तो ये अपडेट दिया है सीबीएसई ने। अभी किस तरह से जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है,
ठीक है, इंटीग्रेटेड क्वेश्चन क्या होते हैं, ठीक है दोस्तों, और अगर हम बात करें सोर्सेस क्वेश्चन क्या होते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, इन सभी टॉपिक को लेकर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अगर आप सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जस्ट लिख कर जरूर हमें सेंड कीजिएगा, हम एक छोटी सी वीडियो इस टॉपिक पर अलग से बनाकर लेकर आए ताकि आपको समझाया जा सके। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैसे आते हैं, सारा चीज हम आपको बताएंगे। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारे चैनल द्वारा जब भी इसकी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के आप सभी तक आसानी से पहुंच सके। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज किया सीबीएसई ने, यानी सीबीएसई पूरी तरीके से तैयार दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप सभी की परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि सीबीई के तहत जो परीक्षा होती है उसमें आप सभी को नए तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न बदला जाता है, यानी अब परीक्षा इतनी आसान होने वाली नहीं है। अब आप सही मायने में आपको सही से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, तभी आप सीबीएसई की परीक्षा को अच्छी तरह से पास कर सकते हैं। इवन आप सभी को बताया कि आप इसी सीबीएसई के माध्यम से आपको सीयूईटी के एग्जाम भी क्लियर करना है, क्रैक करना है। तो हम ऐसे पढ़ेंगे ताकि सीयूईटी के एग्जाम भी हम क्लियर कर सकें। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारे चैप्टर, सारे टॉपिक हमारे चैनल पर अवेलेबल होंगे, सारे पढ़ाए जाएंगे। इसलिए दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इस अपडेट में बस इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।